এই গ্যাতে একটা বড় মন্দির আছে, এইটা তো ভিতরে আমি যাচ্ছি না। দশরথ মাঝি যে পাহাড় কেটে রাস্তা করেছিল সেই জায়গাটা দেখতে রাস্তা তো বানা দিয়া বানানে দেখি 22 বরস লাগা। चल सेट इसका भी आएगा। इस पे रख मैं। आ जा आ जा जल्दी आ जा। এখন ঘড়িতে সময় 12:25 হয়েছে। আমরা ছিলাম বুদ্ধগয়াতে, এখন গয়াতে যাচ্ছি। তো এখান থেকে গয়া বলছে 12 কিলোমিটার। গয়াতে একটু ঘুরবো, সিটি ঘুরবো, তারপর আমাদের একটা ইনভাইট আছে, নিমন্ত্রণ আছে, সেখানে যাব এবং তার বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করব, রাত্রে থাকব। কাল সকালে হয়তো প্ল্যান করা হচ্ছে যে বাড়ির দিকে রওনা দেওয়ার জন্য, জানি না কতটা কী হবে, না যাওয়া পর্যন্ত কিছু বুঝতে পারছি না কী হবে। আমরা গয়াতে পৌঁছে গেছি, এখানে দু একটা সাইট সিন করবো, তারপরে দশরথ মাঝি যে পাহাড়টা কেটেছিল সেই জায়গাটা দেখতে যাব। এই গয়াতে একটা বড় মন্দির আছে, এইটা তো ভিতরে আমি যাচ্ছি না, কারণ আমার জিনিসপত্র অনেক কিছু আছে, গাড়ি রাখতে হবে, গাড়ির কাছে থাকতে হবে, ওরা যাচ্ছে ঘুরতে। এটা হচ্ছে ঢোকার জায়গা। চলো এখান থেকে যাই। দশের মাঝে যে পাহাড়টা কেটেছিল সেই জায়গার লোকেশন এখান থেকে 32 কিলোমিটার। এখন ঘড়িতে 1:30 বাজে, 1:30 হয়েছে, তো মোটামুটি 2:30-এর মধ্যে আশা করা যায় পৌঁছে যাব। দশরথ মাঝি যে পাহাড় কেটে রাস্তা করেছিল সেই জায়গাটা দেখতে, তো আমার ক্যামেরার পিছনেই আছে জায়গাটা। এই জায়গাটায় ডিসেম্বর, জানুয়ারিতে এবং ফেব্রুয়ারিতে অনেক টুরিস্ট আসে জায়গাটা দেখার জন্য, এবং ওনার নামে স্কুল করেছে সরকার এবং হসপিটাল করেছে ওনার নামে, আরও অনেক কিছু করেছে। ওনার ছেলে, এটা ছেলে। আচ্ছা আচ্ছা। রাস্তা খুব বানা দিয়া বানানে দেখি 22 বরস লাগা। 22 সাল লাগা? হ্যাঁ 22 সাল। আচ্ছা। এ
यहाँ से 80-85 किलोमीटर जाना पड़ता था घूम के। अच्छा, अब बाबा ने अपने मेहनत और मशक्कत से छेनी हथौड़ी को 22 साल तक अकेले काटते रहे और जा करके अब ये हमारे बाजार हॉस्पिटल जाने का रास्ता जो है 8-9 किलोमीटर हो गया। 80 किलोमीटर का रास्ता इन्होंने 8 किलोमीटर कर दिया। ठीक है, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है लोगों का, हम लोगों का, हम लोग गाँव के हैं हम लोग भी, तो इनकी वाइफ जो है एक बार बाबा काम खेत में काम कर रहे थे, उस पार में खाना पीना ले जा रहे थे, उस बीच में वो गिर करके उनका एक्सीडेंट माने घायल हो गई। घायल हो गए तो उन्होंने ही ये कसम खाया कि हम जब तक कल इसमें रास्ता नहीं बनाया कि आप किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहू कभी किस तरह का कोई गिर के क्षति ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और उन्होंने उसी दिन प्रण किया है ना कि मैं रास्ता बना दूंगा, पहाड़ को चीर कर कर उन्होंने रास्ता बनाया। 22 साल तक अकेले बाबा खटते रहे, काम करते रहे, हम भी उनको अपने आँखों से देखा है इंदा में, हम लोग यहाँ पनमोल मेरा मकान। अच्छा, अच्छा, हेलो। हाँ, तो हम लोग बाबा कहते थे। देखिए सब लोग इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, उन्हें साथी है जी। हाँ, साथी है ये। हाँ, सब जब फिर सहयोग जब देखा कि रास्ता जब बन गया तो गांव वाला लोग उसमें जुड़ गए, मेहनत करने लगे कि नहीं अब रास्ता तो बना ही दिए बाबा के लिए। काटे बाबा जो है अपना ये करने के लिए अधिकार कर मांगने के लिए प्रधानमंत्री उस समय पीपी सिंह उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री आपको मुफ्ती मोहम्मद सईद हुआ करते थे, उस समय अपनी मांग को पूरा करने के लिए बाबा ने दिल्ली का यात्रा पैदल, दिल्ली पैदल गए थे। कलकत्ता में हम लोग सुना है उनके नाम पर अभी हॉस्पिटल बन में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल स्कूल है, थाना है, हॉस्पिटल है, थाना है उसके नाम पर। हाँ, जी, और जी, बहुत कुछ अभी आने वाला भी है। अच्छा, सरकार अभी अलॉटमेंट किया उनके है, इस पर फिल्म भी बना है। मांझी द माउंटेन मैन यही बड़े लड़के हैं उनके, यहाँ यही एक लड़का है ना। कि गरीबी है, सब लोगों को थोड़ा सहयोग कीजिए, मदद कीजिए, 150 अगर आदमी ये होता है तो इनको मदद कीजिए तो अच्छा है, रहेगा। हम तो दिखाएंगे चैनल में। हाँ, ठीक है जी जी जी, कोई बात मदद का दरकार है। देखिए पोजीशन देख रहे हैं ना, ठीक है, कि गरीब आदमी है तो भाई थोड़ा इनको हम लोग मदद करेंगे तो इनका भी जीवन यापन अच्छा से गुजरेगा। इन्होंने ऐसा कर दिया। शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया लेकिन वो अमाम का पैसा से बनाया, जनता का पैसा से, बेगम की याद में बनाया। आइए अपने बेगम के याद में जो अकेले 22 साल तक पहाड़ काट दिए, उससे बड़ा काम न किए। वो ताजमहल बनाकर क्या किए, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में, वर्ल्ड में ऐसा कोई काम ही नहीं किया। ये तो आज के युग के शाहजहाँ है, वो तो है, वो तो है। मुमताज महल बनाए लेकिन ये तो पहाड़ काट के ही, पहाड़ का सीना चीर करके, कितना ऊंचा पहाड़ देखिए उसको, अकेले सबके लिए बनाया है जी, सारी जनता, सारी जनता के लिए बनाया, अपने के लिए कुछ नहीं किए, अपने के लिए कुछ नहीं किए। आज हॉस्पिटल है, सब जनता जाता है, थाना है, स्कूल है, सबके लिए।